नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBN कंपनी टेक पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि YouTube के विदाउट कॉपीराइट के गानों को किस प्रकार डाउनलोड किया जाता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वीडियोस के एंड में थोड़ा सा चेंज करके किस प्रकार सब्सक्राइबर व्यूज और वॉच टाइम को इंक्रीज किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे मैं ओपेरा मिनी ओपन करूँगा। अगर आपके पास कोई दूसरा ब्राउजर है तो आप उसको ओपन कीजिए और गूगल पे जाके अपने यूट्यूब अकाउंट को साइन इन कीजिए। आप अपने URL पे जाके youtube.com सर्च कीजिए। जैसे ही आपकी youtube.com ओपन हो जाती है, डेस्कटॉप साइट को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आपके ब्राउजर में youtube.com ओपन हो जाती है, आप अपने चैनल आइकन को टच कीजिए, वहां से योर चैनल पे जाइए। उसके बाद YouTube स्टूडियो को टच कीजिए। जैसे ही ओपन होती है, वहां से कोई सा भी एक वीडियो को टच कीजिए, वो अपने आप एडिट मोड में आ जाएगा। जैसे ही आपकी वीडियो एडिट मोड में आ जाती है, वहां साइड की राइट साइड की ओर देखें तो एंड स्क्रीन रिटर्न आती है, वहां पे आप टच कीजिएगा तो यहां से कोई सा भी एलिमेंट को आप चूज कर सकते हैं और अपने चाहे मुताबिक कोई सा भी वीडियो को वहां पे टच करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आगे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और समझिए कि मैं किस प्रकार अपने वीडियो को एंड स्क्रीन में एडजस्ट कर रहा हूं। आप चाहे तो यहां पे दो या तीन वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो ही वीडियो एडजस्ट करूंगा और इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि वो जो एडजस्ट की हुई वीडियो हमारी वीडियो की लास्ट में विजिबल होती है या नहीं होती है। तो चलिए, हमारी एंड स्क्रीन की वीडियो एडजस्ट हो गई। अब यहाँ से YouTube पे जाते हैं और ओपन करके देखते हैं कि हमारी वो एडजस्ट की हुई वीडियो डिस्प्ले होती है या नहीं होती है।